इनटू वी लिखने जा रहा बराबर लगता है। थाउजेंड इंटू वी डिवाइडेड बाय फाइव डी, ठीक है। डायमीटर सबका यहां दिया हुआ है और वी यहां पर दिया हुआ है 50, हर एक का आरपीएम मिल जाएगा तुमको, ठीक है। सब आरपीएम निकालो वन बाय वन, पांचों डायम पांचों टूल का आरपीएम निकालो, निकाल सकते हैं ना सब लोग? यस सर, यस सर। हाँ चलो फटाफट करो, कैलकुलेशन निकालो, मैं तुमको टाइम देता हूँ दो मिनट का। पहले वाले यहाँ कितना आया बताओ जरा, जिसका डायमीटर 7 है, इसने निकाला पहले वाला 2273 बोल रहे हो ना, 73? यस यस सर। दूसरे वाला कितना आया जिसका डायमीटर 10 है? 3183.09 इसका बताइए, जिसका डायमीटर 5 है 2893.72 2893 इसका बताइए, इसका डायमीटर 5.5 है 2652 ना? यस सर। इसका बताइए, इसका डायमीटर 6 है, कितना इसका, इसका डायमीटर 6 है? सर सेकंड वाला का वाले का 1591.54 है। किसका? 6 वाले का, 6 डायमीटर का? नहीं, 10 का सर। क्या बोले तुमने? 1591.54 है बोल रहे तुम? 1591 नहीं, पॉइंट मत बोलो, पॉइंट रखे 1591। बाकी लोग चेक करो किसका गड़बड़ हुआ था क्या। ये इसका कितना, इसका डायमीटर 6 है? 6 वाले का 2652 आ रहा है और 5.5 का 5.5 डायमीटर का 2893 आ रहा है। गड़बड़ बताया, सब चेंज हो रहा है क्या? इसका अलग बताया किसी ने मेरे को, इसका कितना आ रहा है 5.5 वाले का? उसका फॉर्मूला क्या बोलो? फीड रेट हमको एमएम पर मिनट चाहिए, एमएम पर मिनट। तो यू जस्ट मल्टीप्लाई ये जो पांचों वैल्यू है ना,
करूंगा, इसको आप 0.8 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट वाला में 5 वैल्यू मिल जाएगा आपको। हेलो, यस सर, ठीक है, बात करो करो, एक मिनट का टाइम आओ, जल्दी जल्दी करो, मेरे को सब वो कराना है। डन सर, ये वाला कुछ, हाँ बोलो। हेलो, हाँ सर, फर्स्ट वन 181. हेलो, हाँ बोल, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट वन तुमने बोला 181, दूसरा वाला बोलो, दूसरा वाला, हाँ 254. हेलो, 254, हाँ 254, ओके, हाँ तीसरा 127. 127, ओके, तीसरा सर, फोर्थ वन 231, ओके, लास्ट वन 212, चलो ठीक है, ओके, नाउ नो प्रॉब्लम, now I am going to start the new programming, okay, a new, okay, because I am having the time less, WSIM, okay, Wasim, or N01, G94, G90, okay, G21, G17, ATB यूज करेंगे यहाँ पर, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज द कैन साइकिल, ओके, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू दी होल एयर, ओके, हमको यहाँ पर क्या करना है, होल करना है, तो आई एम गोइंग टू मेक दी होल ओनली, ओके, विथ हैज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रू, सम होल इज थ्रू और सम होल इज काउंटर होल, यू कैन सी हियर, ये दूसरे नंबर पे जो है वो काउंटर बोर है, वो जो कि 10 mm डायमीटर है, लेकिन 7 mm डीप है, थ्रू नहीं है, ठीक है, थ्रू नहीं है, तो उसको भी ध्यान रखना है आपको, ये एक 7 mm थ्रू है, फिर काउंटर बोर है 10 mm का, 7 mm डीप है, एक 5 mm का ड्रिल है, 5.5 mm का थ्रू है, और 0.6 mm का रिम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर बताओ, 7 mm के दो थ्रू है ना, वो पहले मार लेंगे, नहीं बेटा तू गलत बोल रहा है, दूसरा कोई और कोई क्लास में सबसे पहले क्या करेंगे, 5 mm का ड्रिल करेंगे सर पहले, और उसके बाद 10, 7 सर काउंटर बोर करेंगे 10 mm का, नहीं 7 mm करेंगे, नहीं नहीं तुम बराबर नहीं बोलो, और कोई इसके अलावा सर, फिर बोर करेंगे 5.5 सर, पहले ड्रिल करेंगे 7 mm का, फिर 10 mm का काउंटर बोर, नहीं ऐसा नहीं है भाई, मेरे सुनो मेरे बात, अभी सबसे पहले तुम लोग बराबर, तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है एक्चुअली में, कोई भी होल डायरेक्टली बड़ा नहीं करते, पहले यहाँ छोटा दिया ना 5 mm का, देखो एक ड्रिल करेंगे 5 mm का थ्रू, इसके बाद उसके उससे बड़ा डायमीटर लेंगे, उससे बड़ा डायमीटर क्या है 5.5 में बोर करेंगे, उससे बड़ा डायमीटर क्या है रिमिंग, 6 mm का रिमिंग करेंगे, फिर 7 mm का होल करेंगे, फिर 10 mm का काउंटर बोर करेंगे, तुम डायरेक्टली 7 mm कर दोगे तो 5.5 mm कभी करेंगे, 7 mm में 5.5 mm कर सकते क्या वापस, 7 mm का मटेरियल निकाल लिए तो 7 mm के बाद 5.5 mm का हो सकता है क्या, नहीं होगा ना, नहीं सर, हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि सबसे पहले जो है 5, और वो भी डिपेंड है, देखो ये जो होल है ये 5 mm का है, दो होल है यहाँ पर, ठीक है, तो पहले ये करेंगे आप उन दोनों, ठीक है, ये दोनों पहले कर लेंगे, और चाहिए तो चारों जगह कर सकते, लेकिन आप उनको अगर दोनों जगह दो जगह कर दिए, दो जगह करने के बाद 5.5 mm का थ्रू करना बोर करना है, ठीक है, तो ये तो 5 mm ही डायमीटर है इसका, तो उसको नहीं कर सकते, फिर यहाँ पर आ जाएंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले 5.5 mm का बोर करेंगे, फिर इन दोनों होल में ही रिम करेंगे, फिर ठीक है, उसके बाद चाहिए तो 7 mm, एक मिनट, हाँ जस्ट मिनट,
5 mm का रिम है यहाँ पर, ये 7 mm का डायमीटर है बाहर वाला, इसलिए गलत दिया है, एरो गलत दे दिया है। हाँ सर वही, इसलिए मैं उल्टा बोल पड़ा। हाँ एरो थोड़ा सा गलत दे दिया है इसमें। ठीक है, ये एक्चुअली कैसा है, ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट ये इसमें होगा, इस होल में होगा, थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये जो पार्ट है ना, तीनों पार्ट ये इसके अंदर होगा, और ये जो तीनों पार्ट है ना, ये इसके अंदर होगा। ठीक है, एक अलग अलग होल है ना सब, 7 mm का डायमीटर अंदर है, बाहर काउंटर बोर है 10 mm का। ठीक है, आगे बात समझ में। ये तीनों ऑपरेशन ये दोनों होल पे होंगे। ठीक है, और ये दोनों ऑपरेशन इस होल पे होगा। ठीक है, यहाँ 2 लिखा है इसने। ठीक है, 2 प्लेसेस लिखा है यहाँ पर। चाहिए तो पहले चारों जगह हम क्या करते हैं, 5 mm का ड्रिल कर देंगे, कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन उससे टाइम वेस्ट होगा हमारा। बेटर गो टू द 7 mm ड्रिल डायरेक्टली यहाँ पर, और 5 mm का ड्रिल करके ये ऑपरेशन यहाँ कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और टोटल थिकनेस जो है वो 18.7 दिया हुआ है। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने आप लोगों ने इसका? यस सर। ठीक है चलो, ओके। तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट एनी वन ऑफ, ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 5 mm डायमीटर, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 5 mm डायमीटर, ओके। G80 ले लिया सबसे पहले, G00, G0 नहीं लेंगे हम, M03, ओके, M03 ले लिया हमने, और S लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हाँ S ले लेंगे, पहले वाले के लिए S कितना है इसके लिए, 2893 है ना ड्रिल 5 के लिए। यस yes. ठीक है, 2 कितना है, 28 3183 है, कोई बात नहीं, 3183 ओके। तो ये हो गया हमारा स्पीड, फीड रेट यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है हमको, डायरेक्टली हम इंटर दबाएंगे, G00 लेंगे, और द फर्स्ट होल जो है वहां पर हम लिख रहेंगे अपने टूल को, फर्स्ट होल हमारा ये है। ठीक है, 12.5 बराबर है, तो एक्स विल बी 12.5, वाई विल बी 12.5, एंड द वैल्यू ऑफ जेड विल बी 5। ठीक है, वहां लाकर ये होल हमारा थ्रू है, ये होल हमारा थ्रू है। जब ये होल हमारा थ्रू है तो इसका मतलब 18.75 रहेगा हमारा वैल्यू ऑफ जेड, नहीं तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इधर हम डायरेक्ट कैन साइकिल यूज कर लेंगे, G81 एक्स 12.5, वाई 12.5, और वैल्यू ऑफ जेड माइनस 18.75। समझ में आ रहा है क्यों लिया मैंने 18.75? हेलो, हाँ सर, क्यों थ्रू होल है, ये थ्रू होल है, इसे मैंने पूरा लिया है। ठीक है, यस सर। हाँ, उसके बाद हम क्या लेते हैं, आर मैंने 1 ले लिया, क्यू चाहिए तो वो भी 1 ले लिया, और एफ कितना है इसका, एफ कितना है, एफ कितना था इसका सर, 254। हाँ मैंने कहीं लिखा था, भूल गया लेते, चलो कोई बात नहीं, 2.5, 2.54 है इसका फीड रेट। ओके, पहला हो गया, अब मुझे दूसरा होल करना है G81, तो दूसरा होल जब मुझे करना है तो ये दूसरा होल यहाँ पर है जिसका डिस्टेंस है 62.5 और 37.5, तो नाउ द एक्स विल बी 62.5 एंड वाई विल बी 37.5 एंड द वैल्यू ऑफ जेड विल बी रिमेन सेम बिकॉज इट इज थ्रू होल, वैल्यू ऑफ आर विल बी टेकन एज अ 1, वैल्यू ऑफ क्यू विल बी अगेन टेकन एज अ 1 एंड एफ विल बी 254 बराबर है, सेम रहेगा क्योंकि डायमीटर डाया हमने सेम लिया है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया ये दोनों होल। ठीक है, ये दोनों होल हो गया हमारा, अब मुझे उस पर बोर करना है। ठीक है,
कितना 5.5 mm का बोर करूंगा मैं इसी होल पर। तो G81 X12.5 Y12.5 और Z-18 नहीं एक मिनट गड़बड़ हो गई एक चीज। बोर के लिए हमको टूल चेंज करना पड़ेगा, आई एम सॉरी। ठीक है, दो ड्रिल कर दिया मैंने। ड्रिल करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टूल को स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, M05 टूल स्टॉप हो गया। अब M06 से टूल चेंज कर दूंगा मैं। मैंने T01 लिया पहला टूल जो कि बोरिंग टूल है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, M03 लिया मैंने और उसका वैल्यू ऑफ S कितना है बोरिंग का बताओ। बोरिंग 2893 है ना? यस एवरीवन, 2893 ले लिया मैंने। ठीक है, फिर से लोकेट करना पड़ेगा टूल। ठीक है, X 12.5 Y 12.5, वैल्यू ऑफ Z is 5। ओके, लोकेट कर दिया मैंने। फिर G81 X 12.5 Y 12.5, वैल्यू ऑफ Z क्योंकि ये भी थ्रू है, ये हो जाएगा -18.75, वैल्यू ऑफ R is 1, वैल्यू ऑफ Q is 1 एंड वैल्यू ऑफ F कितना था इसका बताइए। 231 है ना? 231। ओके, ठीक है, अगेन G81, आई कैन रिपीट, X 62.5 Y 37.5 Z is -18.75। ओके, R का वैल्यू 1 लिया, Q का वैल्यू 1 लिया। R और Q आपको समझ में आ रहा है क्या है? मैं लास्ट टाइम बताया था सबको, आर और क्यू क्या है। क्यू का मतलब होता है कि एक टाइम पे, ये एक्चुअली में कैन साइकिल है, तो एक टाइम पे सिर्फ 1 mm कट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? सरफेस से 1 mm ऊपर, उसको R1 बोलते हैं। अगर आपने R2 लिखा तो सरफेस से 2 mm ऊपर जाएगा। ये तो यहाँ पर लिखेगा पोजिशन ऑफ द आर प्लेन 1 mm, जेड है -18.75 और फीड रेट 231 है। तो आर का मतलब होता है सरफेस से 1 mm अबव। तुम चाहिए तो 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्यू का वैल्यू 1 मतलब होता है कि एक टाइम पे सिर्फ 1 mm कट करेगा। 18.75 कट करना है तो 19 बार लगेगा कट करने में, यानी 19 साइकिल होगा, 19 बार रिपीट होगा ये साइकिल। ठीक है, यस, समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखो तीसरे टूल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये टूल को मैं स्टॉप कर दूंगा यहाँ पर, M05 करके स्टॉप कर दिया। M06 टूल हैज बीन चेंज, T02 हम तीसरा टूल लेंगे, कौन सा? रिमिंग, जो कि 6 mm है। ठीक है, यहां पर लिया M03, वैल्यू ऑफ एस कितना है रिमिंग का बताओ। 2652। एक बात क्लियर कर दिया मैंने आपको कि यहां पर ये तीन ऑपरेशन हम इस दो होल पे करेंगे और ये दो ऑपरेशन इस दो होल पे करेंगे। हाँ, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा वैसा करेंगे। अभी हमने ऐसा किया है कि ये तीन होल ऑपरेशन हम इस दो होल पे कर रहे हैं और ये दो ऑपरेशन हम इस दो होल पे कर रहे हैं। यस सर। कितना बोले तुमने? 2652। अगेन हमको लोकेट करना पड़ेगा G00 X12.5 Y12.5 और Z5। ठीक है, G81 X 12.5 Y 12.5 और Z -18.75, value of R will be 1, value of Q will be 1 और F कितना इसका बोलिए ट्रिमिंग वाले का? 212। ओके, G81 X 2.5 Y 37.5, Z -18.75, R is 1, Q is 1 और F 212। ओके, 212। ठीक है, तीनों ऑपरेशन हो गए। अगेन हमको टूल स्टॉप करना पड़ेगा यहाँ पर, फिर टूल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, M06 T03 वैल्यू ऑफ S बोलो।
अब ये दूसरा वाला होल कर रहा हूँ मैं, ये वाला होल करना है मुझे, ठीक है, इसका डायमीटर 7 है, उसका 2273 है, बराबर ना? Yes, sir. 2273 होल को पे लाना होगा, तो x कितना है वो देखना पड़ेगा, x कितना है इसमें पहले वाले में 12.5 37.5 12.5, y will be 37.5, सब देख रहे हैं बराबर कहाँ क्या चल रहा है? अगर कुछ गलती हो, हाँ गलती हो रही तो यू कैन करेक्ट मी, नो प्रॉब्लम, ओके, अगेन जी 81 एस विल बी 12.5 वाई विल बी 37.5 दैट माइनस, ये भी थ्रू होल है, यस सर 7 mm, हाँ 7 mm वाला थ्रू है, ठीक है, तो ये माइनस 18.75 और R का वैल्यू यहाँ पर 1 ले लिया, Q का वैल्यू भी 1 ले लिया, और F कितना है इसका सर? 181 है जी, 81 X will be 12, नहीं X तो चेंज हो जाएगा इसका भी, इस होल का क्या आएगा 62.5 और 12.5 Y will be 12.5 Z, इधर मैंने डबल माइनस लिख दिया है, माइनस 86.75, R will be 1 and Q will be 1, F will be 181, ठीक है, हो गया आज दोनों होल, अब इसको स्टॉप कर देंगे M05, अगेन टूल चेंज करेंगे T05, अभी ये पांचवा टूल है ना T04, M06 आ गया पहले, M06 T04, ठीक है, M03, हाँ उसका एस बोलो जो काउंटर बोर है, कितना एस है उसका? 1591, ठीक है, इसको भी लोकेट करना पड़ेगा हमें, एक्स आएगा 12.5, वाई विल बी 37.5, जेड विल बी 5, G81, ठीक है, और यहाँ पर X will be 12.5, Y will be 37.5, सर G00 में Y भी 12.5 होगा ना उधर, 37.5 नीचे क्यों आएगा? नहीं 12.5 नहीं, यहाँ पर कहाँ बोल रहे हो, यहाँ पर सर? हाँ सर उधर, हाँ सर, क्यों यहाँ 37.1, एक मिनट, हाँ ये वाला होल ले रहा ना मैं, तो एक्स 12.5 और ये 37.5 है, तो क्यों गड़बड़ क्या है? ये वाला कर रहे ना, काउंटर बोर कर रहे हैं हम लोग अभी, तो काउंटर बोर इस पे करना है, इस पे करना है, तो एक्स विल बी 12.5, वाई विल बी 37.5, बराबर ना? ओके सर, ओके, हाँ, और यहाँ पर जेड जो, हाँ जेड जो है पूरा नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर काउंटर बोर है और 7 mm डीप है बराबर, तो यहाँ पर जेड जो है -7 होगा, यस सर, आर विल बी 1, क्यू विल बी 1, एफ कितना है इसका बताइए, एफ है 245 ना? नो सर 127 है काउंटर बोर का, 127 है, ठीक है कोई बात नहीं, G81 वापस, एक्स जो है वो 37.5 है, वाई जो है 12.5 है, और बराबर लिखा 37 है, 62 है ये ना, कितना 62 है ना, ये 62.5 और 12.5 ना, ये जैसे सेकंड वाला ना, हाँ हाँ, जेड माइनस 7 है, जेड माइनस 7 है, R का वैल्यू 1 आएगा और Q का वैल्यू 1 आएगा, F का वैल्यू 127, ठीक है, इसको भी स्टॉप कर देंगे M05 और एंड ऑफ द प्रोग्राम कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हो चुका, समझ में आया सबको कैसे किया मैंने? यस सर, कोई डाउट है किसी को इसके अंदर, प्लीज लेट मी नो, इफ एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस केस प्लीज लेट मी नो, हमने पहले टूल 1 लिया, टूल ये देखो, एक टूल तो डिफॉल्ट टूल है, ठीक है, उसके बाद टूल 1 लिया, ये 5.5 mm का बोरिंग टूल है,
T02 ये रिमिंग टूल है, T03 ये 7 mm का ड्रिलिंग टूल है, T04 ये 10 mm का काउंटर बोर है। डन एवरीवन? हेलो सर। ओके लेट अस गो टू द सॉलिड एनिमेशन टू सेलेक्ट ऑल द टूल्स। एक मिनट हाँ, चलो कोई बात नहीं, मशीन चेंज करना रह गया, विल डू। हाँ मशीन एक्चुअली मुझे चेंज करना था, यहाँ पर ये लेना था आईएसओ मिली। ठीक है टूल सेटअप में गया, सबसे पहले टूल सेटअप करना है। देखो यहाँ 5 टूल दिखाई देगा आपको, दिख रहा है सबको? देखो ये T01, T02, T03, T04 बराबर, और ये डिफॉल्ट टूल है पहला वाला, बराबर है? 5 टूल दिखाई दे रहे सबको? यस सर। पहला वाला टूल का क्या, पहला वाला टूल हमारा क्या है? ड्रिल है बराबर, 5 mm का ड्रिल है ना, 5 mm, तो ये 5 mm ले लिया। किसी का माइक ऑन है? समवन माइक इज ऑन, हु इज दिस? इथे नव्हतं मध्ये ना रे खोबरा घेतला, हु इज दिस बी खोबरा घेतला? Who's mic is on? आप करो ना। हेलो ये कौन है? ये भावेश। भावेश 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 हेलो हेलो भावेश, चलो कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही सबको? हाँ ठीक है। हाँ तो सबसे पहले हम जाएंगे, अभी ये ले लिया मैंने T04 जो है वो कौन सा टूल था? ये अपना ड्रिल है, काउंटर बोर है, बराबर ना? काउंटर बोर है 10 mm का T04 बराबर है। T03 क्या था बताओ? यस सर, फोर्थ वन तो ड्रिल रहेगा ना? नहीं T04 तो मैंने वो लिया ना, काउंटर बोर लिया ना लास्ट वाला 10 mm का। देखो ना T04 यहाँ लिखा है, प्रोग्राम में देखो, तुम वो मत देखो ऊपर नीचे। हाँ T03 क्या लिया था बोलो? T03 ड्रिल लिया था बराबर, 7 mm का। यस सर। T02 क्या लिया है बताओ? बोरिंग बार है ना, बोरिंग करना है मेरे को, कितना mm? 5.5 mm का रिमर है बराबर? नहीं सर, 5.5 का बोर है और रिमर 6 mm का है। हाँ तो T02 जो है बोरिंग बार है, ये है 6 mm का, और T01 जो है वो मेरा रिमर है 5.5 mm का बराबर है? तो रिमर 6 mm का है और बोर 5.5 mm का है। उल्टा ले लेगा, मैंने एक मिनट अपने चेक कर लेता हूँ। हाँ बोर 5.5 है, रिमर 6 है, मतलब थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैं, एक मिनट। तो T01 जो है ये मेरा लेकिन ये बोर है, बोरिंग बार है, ये रिमर है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है ना, बराबर है ना? हाँ देखो हमारा सबसे पहला टूल जो है वो डिफॉल्ट टूल है जो की 5 mm डायमीटर का ड्रिल है। यस सर। दूसरा जो टूल है हमारा वो T01 जो है वो बोरिंग बार है, यानी बोरिंग करना है मुझे 5.5 mm। तीसरा जो हमारा टूल था T02 वो रिमर है 6 mm का। चौथा जो टूल है हमारा वो ड्रिल है 7 mm का, और पांचवा जो है वो हमारा काउंटर बोर है 10 mm का बराबर है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, हर एक बार चेक कर लेते 7 mm में है कि नहीं, 7 mm में है। ओके चलो, सो क्लोज कर दिया, समझ में आया था सबको? यस सर। अभी हम टूल सेटअप पे जाएंगे, टूल सेटअप पे जाने के बाद मिनिमम 0 इज ऑलवेज 0, ओके?
मैक्सिमम मिनिमम वाई आल्सो जीरो, मैक्सिमम वाई मिनिमम वाई ऑलवेज माइनस 18.75, ठीक है। और टोटल लेंथ कितना है मटेरियल का, देखो जरा बताओ, टोटल लेंथ है 62.5 और 12.5 कितना हो गया 75 ना, 75 है, तो चलो 75 प्लस 50, 75 बाय 5 बाय 50, तो ये 75 इंटू 50 इंटू जीरो, ठीक है 75, 50, 18.75, लॉ ऑफ द डायमेंशन, समझ में आया डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ मटेरियल 75 x, 50 इज y, 18.75 इज द थिकनेस, ओके कर दिया इसको, ठीक है मटेरियल रेडी हो गया, चलो ऑपरेशन स्टार्ट। पहला ड्रिल हो गया, अब दूसरा बोरिंग कर रहा है, तीसरा अभी रिमिंग करेगा उसको ही। अब 7 mm का ड्रिल करेगा, उसके बाद काउंटर बोर करेगा 10 mm का, दिख रहा है काउंटर बोर 7 mm भी किया उसने, ये देखो ये थ्रू है लेकिन ये थ्रू नहीं है, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ क्योंकि ये थ्रू नहीं किया है इसने, थ्रू कर ही नहीं सकता उसको, ठीक है खाली इसको थ्रू किया क्योंकि ये थ्रू था, बाकी थ्रू नहीं है, अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। चलो अभी तो ये तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं काम करता हूँ, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बुक पे लिखो क्योंकि ये आपको एज अ टर्म सबमिट करना है। ओके सर। यू हैव टू सबमिट एज अ टर्म वर्क। लिए स्क्रीनशॉट इतना? यस सर। ये भी ले लो, चलो दूसरा पार्ट भी ले लो, इसी का बस रह गया था, ले लिया सर। ओके चलो थैंक यू वेरी मच। ओके नाउ द टाइम इज आल्सो ओवर, फ्रॉम टुमारो सी वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल टू ऑल दिस स्टूडेंट्स, सी टुडे इज दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको खुद से करना है, ठीक है सिमिलर फैशन में करना है, सबसे पहले आपको ये मटेरियल कट करना है, ठीक है उसके बाद 4 होल करना है, 4 होल में 8 mm का होल करना है, काउंटर बोर करना है 12 mm का, 3 mm डीप, दिख रहा है सबको? हाँ ये ये वाला सबके लिए होमवर्क है, जो आपको सर. जो आपको सबमिट करना है एज अ टर्म वर्क। तो मैंने आपको 3 प्रॉब्लम दिया है, इसके पहले वाला एक दिया, उसके पहले एक दिया था, और तीसरा ये है, 3 प्रॉब्लम मिलिंग में आपको सबमिट करना है एज अ टर्म वर्क। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसमें एस वगैरह दिया नहीं है, यू हैव टू अज्यूम। या एक काम करो वी ले लो, यहाँ पर कटिंग स्पीड ले लो, दे देता हूँ मैं कटिंग स्पीड ले लो आप 60 ले लो, कटिंग स्पीड ले लो 60, ठीक है, और फीड रेट ले लो यहाँ पर 0.9 mm पर एक बार रिपीट करो ना, अपने स्पीड बताया ना, स्पीड इज 60, कटिंग स्पीड इज 60, कटिंग स्पीड इज 60, फीड रेट इज 0.9 mm पर रेवोल्यूशन। तो इससे तुमको टेबल बना लो एक होल वाला, खाली 4 mm होल का काउंटर, दो ही टूल यूज किया यहाँ पर, टूल नंबर 1 इज 4 mm होल, 8 mm होल सॉरी, और 12 mm होल जो है वो काउंटर बोर है 3 mm है। ओके सर ठीक है चलो सर। हाँ यस हेलो। हाँ सर ये वाला फिर पिछला वाला सम, और कौन सा सम है जो सबमिट करना है? ये वाला एक सम है, ये जो अभी मैंने कराया ये है, और एक और बता रहा हूँ मैं तुमको बताया था ये वाला सम है, ये 3 सम आपको ऐसा सिमको में भी दे सकते हैं क्या? क्या बोले? सिमको में भी करके दे सकते हैं? सिमको में ही करके देना, ऐसा देना, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के देना है आपको, इसमें लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, ठीक है, और फिर आपको ऐसा स्क्रीनशॉट सबमिट कर देना, या इसकी फाइल सेव होती है, यहाँ पर तुम जाओगे ना तो देखो यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है वेर एवर यू वॉन्ट टू सेव, सेव इट, एक बार वापस दिखाइए ना, क्या देखो ये वाला समय, एक
ठीक है। दूसरा जो है ये वाला सम है और तीसरा ये वाला, ठीक है okay, ये इजी okay, है, इतना डिफिकल्ट अगर तुमको पहला दो समझ में आया होगा तो ये आसान है, खाली दो ही होल करना है इसमें और ये 20 का मटेरियल आपको ऐसा निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। ओके सर। हाँ चलो ठीक है ना। ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल स्टूडेंट पहले वाले में फीडबैक वगैरह नहीं दिए उसका तुम ले लो, ऐसे अज्यूम कर लो, कोई इशू नहीं है क्योंकि उसमें एक ही होल करना है ना। यस सर, वो अज्यूम कर लेते हैं यार। जहाँ नहीं दिया यू कैन अज्यूम इट, नो प्रॉब्लम। इन द एग्जाम आल्सो वेयर एवर इट इज नॉट गिवन यू कैन अज्यूम द सूटेबल डेटा, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द फर्स्ट लाइन। ओके ओके सर। ओके सर। वेयर एवर यू फाइंड दैट यू हैव टू अज्यूम इट, नो प्रॉब्लम। कल से मैं जो है टर्निंग स्टार्ट करूंगा, टर्निंग के प्रॉब्लम्स। ओके सर। ओके चलेगा, थैंक यू। ऑटो बाकी लोग जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल स्टूडेंट्स हैं तो बैक आई कैन टेक द अटेंडेंस और रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर आई विल शेयर यू। ओके।